अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बांगड़ा फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इस बार बांगड़ा फ़िश फ्राई को मेरे वे में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैं अपने ग्राइंडर में कुछ इंग्रीडियंट्स ले लूँगी अपने हरे मसाले के लिए, जिसमें मैंने 1 कप धनिया लिया है, 8 से 9 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का ले लिया है और 6 से 7 ग्रीन चिलीज ले ली है, जिनको अब मैं ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लूँगी इस तरीके से। और अब इसमें मैंने ऐड कर लिया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे घर पर कम खाते हैं, मैंने कम ऐड किया है। अब इसमें मैं 1/2 लेमन स्क्वीज़ करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी बांगड़ा फ़िश में। देखिएगा, आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कितनी टेस्टी बनी है ये रेसिपी। मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ मैंने अपनी 4 बांगड़ा फ़िश ले ली है, जिनके ऊपर मैंने इस तरीके से कट मार्क्स करवा ली हैं। ये देखिए, इस तरीके से स्लांट कट्स लगवाए मैंने, आप भी इस तरीके से लगवा लीजिएगा, ज़्यादा डीप नहीं, हल्का कट लगवाना। और अब मैं इसमें अपना जो हरा मसाला हमने प्रिपेयर किया था, इस तरीके से इसमें फिल कर लूँगी और अपनी फ़िश को मैरिनेट कर लूँगी इस तरीके से, बाहर से अंदर से सब साइड से आप इसे इस तरीके से मैरिनेट कर लीजिए। अंदर भी मैं थोड़ा मसाला डाल के इसे अच्छे से फिल करूँगी, ताकि हमारा मसाला पूरा अंदर तक का एब्जॉर्ब हो जाए हमारी फिशेस में। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बने इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम फ्रेश फिशेस लें, बासी होगी वो फिशेस तो अच्छी नहीं बनेगी, आपको पसंद नहीं आएगी, इसलिए आप इस रेसिपी के लिए बांगड़ा लें तो एकदम फ्रेश फिश प्रिफर करें। ये देखिए, हमारी फ़िशेस इस तरीके से मैरिनेट हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे फ़िशेस में पूरा मसाले का टेस्ट अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए आप इसे ओवरनाइट रख दीजिए, मैंने भी ओवरनाइट रख दिया था इसे। या अगर आपको जल्दी प्रिपेयर करना है तो 2 घंटे का मैरिनेशन भी काफ़ी होगा उसके लिए। अब मैंने इन फ़िशेस की कोटिंग के लिए यहाँ पर 1/2 कप चावल का आटा ले लिया है, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया था और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमने फिशेस में भी डाला था मैरिनेशन के टाइम में। यहाँ अब हमारा कोटिंग पाउडर रेडी हो गया है। अब मैंने अपने गैस पर हैवी बेस वाला तवा रखा है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। जो अब मेरी मैरिनेटेड फिश थी, अब मैं उसको इस तरीके से कोट कर लूँगी हमारे कोटिंग पाउडर में अच्छे से, सब दूर से पलट पलट के इसको कोट करके। मेरा ऑयल गर्म होने पे मैंने इसमें अब हमारी फ़िश रख दी है फ्राई होने के लिए, इसे ऐसे ही शैलो फ्राई होने दूंगी अब मैं। बाकी सारी फ़िशेस को भी मैं इसी तरीके से कोट कर लूँगी हमारे कोटिंग पाउडर में अच्छे तरीके से। 2 मिनट तक इसे एक ही साइड से मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने के बाद मैं इसे इस तरीके से पलट दूँगी। मैंने अपनी सेकेंड फिश भी इसी में फ्राई होने के लिए डाल दी थी। इसी तरीके से मैं अपनी 3rd मैरिनेटेड फ़िश को भी कोट करके इसमें फ्राई होने के लिए तवे पर रख दूंगी। जो भी एक्सेस कोटिंग पाउडर रहता है, आप उसे झाड़ कर और फिर इस पर तवे पर रख दीजिए। इसी तरीके से हम इन सभी फिशेस को 2-2 मिनट में पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें रखा था फ्राई होने के लिए। आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, आप इसे ट्राई करके देखें, और आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कैसी बनी है ये बांगड़ा फ़िश फ्राई। बहुत ही इजीली और कम इंग्रेडिएंट्स में प्रिपेयर हो जाती है ये रेसिपी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और भी रेसिपी आपको क्रिएट करके बताऊँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उन रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल बिस्मिल्ला किचन फूड्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।